हेलो एवरीवन, तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एक प्रेयर को लेकर। तो देखिए, मैंने एक प्रेयर के बारे में सुना था और मैंने ये भी सुना था कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इंस्टेंट हैं और किसी भी इम्पॉसिबल विश के लिए और अर्जेंट विश के लिए इस प्रेयर को किया जाता है और इसके रिज़ल्ट एक या दो दिन में ही दिखते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस प्रेयर को लेकर जो है इस वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि जैसे आपकी विश अगर पूरी हो जाती है तो आपको लोगों को बताना होता है कि आपकी विश पूरी हुई है। क्योंकि मेरा चैनल है तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आपको कमेंट्स में जहाँ आपसे आपने ये वीडियो देखी होती है उसके कॉमेंट में जाके भी आपको जो है लिखना होता है। मतलब जहाँ भी लोगों की गैदरिंग होती है बेसिकली वहाँ पर आपको अपनी विश फुलफ़िल हुई है इसके बारे में बताना होता है। तो इसीलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप अपनी विश भी मांग सकते हैं। आप 2 वीक्स वेट में हैं या फिर आपने ट्रीटमेंट IUI या IVF कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है बेबी के लिए, विश मांग सकते हैं आप लोग भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेंट एक्सपीडाइट की ये प्रेयर है। सेंट एक्सपीडाइट जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूँ, सेंट एक्सपीडाइट एक सेंट है। जैसे हमारे बाकी देवी देवता होते हैं, जैसे गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं या फिर माता रानी हैं, तो जैसे हम उनसे कोई भी विश मांगते हैं और बाद में प्रसाद बोलते हैं या पहले प्रसाद बोलते हैं फिर बाद में प्रसाद बांट देते हैं जितना भी हमने बोला होता है, तो इसी तरीके के सेंट एक्सपीडाइट हैं। आप उनके जो है मंत्र मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उस मंत्र को आपको सिर्फ जो है सुनना है, या तो या आप चैंट भी कर सकते हैं और सुनते सुनते अपनी विश को ऐसे विजुलाइज करना है जैसे कि वो ऑलरेडी हो गई है। तो बस उसके बाद उस प्रेयर को सुनने के बाद आपको भूल जाना है और सेंट एक्सपीडाइट पर जो है बिलीव रखना है, तो विद इन 1 या 2 डेज में आपकी जो है विश पूरी हो जाएगी। अगर वो विद इन 1-2 डेज में पूरी हो सकती है विश तो देखिए, मैं अपना बताती हूँ। जब मेरी बेटी का बर्थडे था तो मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बोल दिया था कि मैं उसका बर्थडे जो है हिल स्टेशन में जो है मनाऊँगी। तो लेकिन उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया था लोगों का, और सारे हाईवे जो है जाम कर दिए थे और काफ़ी तोड़फोड़ हो रही थी, गाड़ियां जलाई जा रही थी, ये सब हो रहा था। तो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि इसे ऐसे माहौल में हम नहीं जाने देंगे, आप जो है छुट्टियों के बाद जो है प्रोग्राम बनाइए, यानी कि बर्थडे के बाद का आप जा सकते हैं जब ये सब चीज़ें जो है कम हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, जो प्रोटेस्ट चल रहा था लोगों का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे भी लगा कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हमें नहीं जाना चाहिए। बट मेरी जो डॉटर है उसको काफ़ी बुरा लगा कि मेरे बर्थडे पे ऐसा क्यों हुआ है। तो मुझे, मेरा भी मन था अंदर से कि मैं उसको उसके बर्थडे पर जैसे मैंने प्रॉमिस किया है हिल स्टेशन पर लेकर जाऊं। तो मैंने बस उस जो मंत्र है उसको सुना और सुनते सुनते मैंने ऐसे विजुलाइज़ किया कि मैं उसका बर्थडे जो हिल स्टेशन पर मना रही हूं और काफ़ी सेफ हैं हम और वापस भी घर आ गए हैं सेफली। तो इस तरीके से मैंने बस चैंट की सुना, चैंट और विजुलाइज़ किया और उसके बाद मैं भूल गई। उसके बाद जो है हमारी बात ख़त्म हो गई थी कि भाई अब जाना नहीं है, हम 10 डेज़ के बाद का प्रोग्राम बन रहा था, कोई होटल बुकिंग कुछ नहीं हमने करवाया था। तो मैंने जो है शाम के 4 बजे आई थिंक जो ये मंत्र का है चैंट सुना, विजुलाइज़ किया और उसके बाद अगले दिन 10 बजे तक मेरे हस्बैंड ने सीधा होटल जो है रिजॉर्ट बुक करा दिया और सारा जो है प्रोग्राम सेट कर लिया, पेमेंट भी कर दी उन्होंने। और जो है जो प्रोटेस्टर्स थे वो दिल्ली में जो थे अब नहीं थे और सारी जगह से पॉजिटिव न्यूज़ आने लगी। तो ये मेरे लिए बहुत मिरेकल था। आप लोगों को ये बहुत अजीब लग सकता है या छोटी विश लग सकती है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी विश थी, क्योंकि मैं जो है ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रोटेस्टर्स जो हैं इतनी जल्दी वहाँ से नहीं हटेंगे, जो है हाईवेज जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ही निकलना था, क्योंकि उसके बाद उसका बर्थडे नेक्स्ट डे ही था। मतलब अगर हम नेक्स्ट डे नहीं जाते तो उसका बर्थडे जो है मिस हो सकता था, 2 दिन की भी अगर डिले हो जाती तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो है टाइमिंग्स आपकी बिल्कुल परफेक्ट हुई और सारे काम बिल्कुल परफेक्टली हो गए। फिर उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद जो है मेरा जो छोटा बेबी है उस टाइम वो 1.5 साल का था, तो उसको वहाँ पर लूज़ मोशन हो गए और बाहर जो है क्योंकि वो हिल स्टेशन है तो ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ होती नहीं है, तो मैं काफ़ी डर गई क्योंकि कई बार उसको एडमिट कराना पड़ता है, तो हॉस्पिटल्स तो हिल स्टेशन में अब यू नो कितना नहीं होते हैं, तो हम काफ़ी डर गए। तो
अगेन मैंने चैंट किया और फिर मैंने बोला कि अगले 15 डेज तक हम लोग सारे बिल्कुल स्वस्थ रहें, कोई भी बीमार ना हो, एक्चुअली बीमार ना हो नहीं, हमने सिर्फ ये बोला कि स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें पॉजिटिव एफर्मेशन देनी होती है, पॉजिटिव जो विश होती है वो करनी होती है। तो अगेन मैंने सिर्फ उस टाइम मैंने मंत्र नहीं सुना, मैंने सिर्फ मन में सोचा, चैंट किया। तो उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल एकदम ड्रामेटिकली इसके जो है लूज मोशन बिल्कुल ठीक हो गया, इसकी पॉटी भी ठीक हो गई और बिल्कुल हम सारे अगले 15 डे तक बिल्कुल एकदम हेल्दी रहे। तो ये भी मेरे लिए मिराकल है, क्योंकि उसके आप लोगों को पता ही है छोटे बच्चों के अगर लूज़ मोशन हो जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है उन्हें कंट्रोल करना, विदाउट मेडिसिन जो है उसके लूज़ मोशन ठीक हुए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अर्जेंट था उसके, क्योंकि मैं मेडिसिन तो नहीं लेके गई थी और अगर एडमिट कराने का होता तो फिर हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाता। तो इसलिए ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा विश। उसके बाद भी मैंने कई विश मांगी हैं, वो भी मेरी पूरी हुई है, जैसे कि मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी अभी रिसेंटली, और जो है गायनेक को दिखाने के लिए गई थी मैं, और डॉक्टर जो है उस दिन उसका डे नहीं था, वो ऑपरेशन थिएटर में थी और ऑपरेशन थिएटर में अगर डॉक्टर होती है तो वो 1 या 2 घंटे ले लेती है। और मेरा बेबी बाहर जो है वेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड मेरे बेबी के साथ, तो मैंने बस इसको चैंट किया मंत्र को और मैंने बोला कि डॉक्टर जो है अगले 5-10 मिनट्स में आ रही हैं, और डॉक्टर इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड में आई, 10 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स तक आ गई डॉक्टर। और मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उस टाइम कोई डॉक्टर का डे नहीं था और डॉक्टर्स ऐसे नहीं आते हैं अगर डे नहीं होता है हॉस्पिटल में, ओपीडी में नहीं आते हैं डॉक्टर्स, और ऑपरेशन इतनी जल्दी ऑपरेशन थिएटर से जो है फ्री भी नहीं होते हैं। तो ये भी जो वहाँ पर जो सिस्टर्स थी नर्सेस थी वो ये बोल रही थी कि अभी आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे, और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बाहर, मेरे बेबी इतनी देर तक वेट मैं नहीं करवाना चाहती थी। तो ये मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में अर्जेंट विश के लिए मैंने मांगा और डॉक्टर इतनी जल्दी आ गई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर मैंने सेंट एक्सपीरियट को उस टाइम आप विश कर रहे होते हैं तो आपको ये भी बोलना होता है कि मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊँगी, और फिर आपको ऑफरिंग्स देनी होती है, जैसे कि चॉकलेट्स दे सकते हो आप कैंडल जलाकर, आप जो है सेंट एक्सपीरियट की नेट पर आप सर्च कर सकते हैं, फ़ोटो उसको प्रिंट करवा सकते हैं और उसके सामने आप कैंडल जलाइए, चॉकलेट्स रखिए, केक रखिए, जो भी आप घर में अवेलेबल हो मीठी चीज़ वो आप जैसे ऑफ़र करिए, और उसके बाद आप कहीं भी वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो बनाइए अगर आपका चैनल है, अगर आपको बहुत सारे लोगों में है गैदरिंग है आप वहाँ पर इस बारे में बताइए लोगों को। तो इस तरीके से आप उसको थैंक्स बोलते हैं हम सेंट एक्सपीरियट को, और ये मेरा पब्लिक ग्रेटिट्यूड है सेंट एक्सपीरियट को, मुझे मैंने आज तक जो भी मांगा है वो सब मुझे मिला है, क्योंकि बट मैंने खुद ही बहुत ही छोटी छोटी विशेज़ के लिए सेंट एक्सपीरियट को विश करा है, क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं था जब मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी, शायद उस टाइम पता होता तो मैं ज़रूर ये भी मंत्र चैंट कर लेती। तो आई होप आप लोगों को जो है इससे कुछ हेल्प मिली होगी।